जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु का एक नाम वेद भी है, तो वेद उनका कैसे नाम पड़ा, तो इसके बारे में आज बताएंगे। देखिए, वेद याद रखिए, वा में एक ही मात्रा द, या वेद, वेद कैसे पड़ा इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की है। देखिए, भगवान विष्णु का एक नाम वेद भी है, तो वेद क्यों पड़ा ये नाम, इसके बारे में आज यह वीडियो बनाया है। देखिए, वेद का मतलब होता है कि कल्याण की जो इच्छा करता है और जो उनका कल्याण कर सकता है, तो कल्याण की इच्छा जो करता है और वो जिसको याद करता है कि जो उसको कल्याण कर सकता है, उसको हम वेद कहते हैं। तो जितने प्रभु के भक्त हैं, वे सब कल्याण की इच्छा चाहते हैं भगवान विष्णु से, इसलिए भगवान विष्णु को वेद कहा गया है। फिर बता दें आपको कि जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, तो वो किसी को भी पूजा करते ही हैं, क्योंकि उनसे ही उनका कल्याण होगा, तो वे भगवान विष्णु हैं जिनसे उनका कल्याण होता दिखता है, इसीलिए भगवान विष्णु को वेद कहा गया है। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि वेद का मतलब क्या है। अब देखिए, एक मंत्र है भगवान विष्णु के इसी नाम का, वह है ओम वेद्याय नमः। पढ़ना कैसे है, ओम वेद्याय नमः, ओम वेद्याय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को आप 15 से 20 मिनट आँख बंद करके पढ़ सकते हैं। और मंत्र पढ़ने से पहले भगवान गणेश का नाम 5, 7 या 11 बार जरूर लें। पीले आसन पर जरूर बैठें, पीला वस्त्र कोई ना कोई धारण करें, धूप बत्ती जरूर जलाएं, हो सकता है तो हो सके तो घी का दिया भी जलाएं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के इस नाम के इस मंत्र की आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु का एक नाम वेद भी है, तो यह क्यों पड़ा। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु।